एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑन योर व्लॉग और निशाज लाइफ चैनल, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैं आई हूँ मोनी खेतके के रूम में। मैं सोची व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और आज मेरा व्रत, क्योंकि आज जो सेकंड नवरात्रि है तो मैं सोच रही आज का करूँगी, एक फिर एक दो दिन बाद का देखूंगी तब करूँगी। तो घर में बहुत सारे लोग हैं, बाहर मुझे जगह ही नहीं मिल रही कि मैं कहाँ से व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो मैं सोचा कि इसी रूम में आ जाता, यही रूम खाली था, तो मैंने अभी दरवाज़ा बंद करके जस्ट मैं स्टार्ट कर लेती हूँ व्लॉग। तो बस अभी मैं करूँगी जोत, नहा के आई हूँ अभी और पूजा करूँगी पहले, तो दिखाती हूँ आप लोगों को है ना मेरा मंदिर भी, और पूजा करूँगी। उसके बाद देखते हैं लंच में क्या बनाएंगे क्या नहीं। सबसे पहले पूजा, फिर कब दूजा, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, बाय। आ गई मेरे मंदिर में पूजा करने के बाद में, देखिए यहाँ पे मेरा फुल नींद में 12 बजे, बता देख 12 बजे में 10 मिनट है और अभी तक भी नहीं उठ रहा। नाश्ता नहीं करना क्या? नौका उठाई मत बेबू, उठ जा, उठ। गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड नून हो गया, गुड मॉर्निंग भी नहीं। आई लव यू विक्टर, आई लव यू छोना। मम्मा ने तो देख पूजा भी कर ली, मम्मा ने नाई नाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया मम्मा ने, हैं? और नोनू भी तो उठा भी, दीदी स्कूल जाके वापिस भी आ रही है। गाइस, हो गई मेरी पूजा और अभी मैं बनाऊंगी लंच। अभी तो मैंने चाय भी नहीं पी, 12:30 हो गए। मैं चाय बनाऊंगी पहले खुद की, और बच्चों के लिए बनाऊंगी खिचड़ी थोड़ी सी, और बाकियों के लिए छोंकूंगी चावल। मैं राइस बनाऊंगी, तो रोज़ रोज़ सब्जी रोटी भी क्या ही बनाऊंगा, परेशान हो जाती हूँ ना। तो सोचे जाओ बस सुबह क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं बस वही बनाऊँगी, अभी चावल छोंक दूँगी और बच्चों की खिचड़ी। तो बस चलते अभी, बिना बात बिलाएगा, लाइट ऑफ करके चलो भाई। आ गया मेरे मम्मी किचन में और यहाँ चल रही है लंच की तैयारी। लंच में क्या क्या बन रहा है दिखाते हूँ, कितनी तरह का खाना सब बन रहा है। नोनू का इसमें रेवा की खिचड़ी और ये राइस छोक रही हूँ अलग से, ये मसाला तैयार कर लिया मैंने। अभी तो पता नहीं और क्या बनेगा, और अभी तो पता भी नहीं किस किस का क्या बनेगा। सीटी आगे कितनी लगवानी है, बन गया डोसा है, कैसे का टाइम हो गया ना। मेरे पार्सल दो टी शर्ट एक और आनी थी, एक रह गया ना, दो ही आए, चार आई हैं, दो इसमें है। कैसा लगा, कलर तो सही आ रहा है ना। चावल और डाल दूँ, वो क्या कह रहा है गुरप्रीत, गुरप्रीत ये बन गए मेरे चौल, नर्तक बोल रहे चौल है, ये मेरे भी बन गए चौल। वो लगा दूँ। तो फ्रेंड्स, ये रख दिया मैंने अपनी चाय, व्रत है तो अभी चाय बनाऊंगी, 1 बज गया है और बस चाय लूँगी और मैं थोड़ी सोची थोड़ी सी गिरी भून लूँ और वो लूँगी है ना। और ये खिचड़ी रखी थी कच्ची, वापस सिटी लगवाई है, ये रह गई मेरे राइस छोके, इनमें भी सिटी आएगी अभी। बात पार्सल की तो खोल के ही बताऊँगी कैसी आई है कैसी नहीं। अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मंगवाई है इनमें टी शर्ट, तो देख के बताऊँगी कैसे, अनबॉक्स भी करना है ये भी है ना, तो दिखाऊँगी कैसी आई है ये। एक और आनी है, वो अभी आई नहीं है। बस कल गनगौर मैं तो भूली गई थी, कई दिन से सोच रही थी कि मेहंदी लगवा के आऊँगी जाऊँगी बाहर, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी शाम को निकलेंगे तो मैं मेहंदी लगवा के आऊँगी। काफ़ी टाइम है ना मैंने लगाई थी, किस पे करवा चौथ पे, तो आज अच्छे से लगवा के आऊँगी अगर वो मिल गया तो मेहंदी वाला, तो वहाँ जाऊँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को है ना। गनगौर तो एक साल में वैसे भी एक बार ही आती है, तो मैं सोच रही हूँ मेहंदी, मुझे बहुत शौक है मेहंदी का, तो वहाँ जाऊँगी। और ये हो गया मेरी चाय रेडी, मैंने इसमें घी थोड़ा सा मखाने ये रोस्ट करूँगी इसमें बस, और चाय के साथ ये भून लिया मैंने मखाने। यार ये सिटी कुकर में छोटे वाला कुकर में है इनकी, खा रही है ये? हाँ, खा रही है। फिर खिचड़ी तो बाद में भी खा लेगी अगर खा रही है तो, बच्चों टेस्ट आना चाहिए मेन। सो फ्रेंड्स, ये आई है वो टी शर्ट जो मैंने मंगवाई थी, ये देखिए, एक ये है ब्लू कलर की, एक ये मंगवाई है मैंने पिंक कलर की, एक ये आई है, ये है ब्लैक कलर की, और एक ये मैरून कलर की, ये वाली मंगवाई है मैंने। अभी खोल के देखूँगी कैसी आई है, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। रैपर ना पहले ही खोल लिया था, मैंने कहा वीडियो बनाऊँगी ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसी हिसाब से मैंने इनको खोल लिया था, और मैं सोचती फटाफट दिखा देती हूँ इसमें कि कैसी आई है कैसी नहीं आई है, इनका कपड़ा और ये सब। ये आई है टी शर्ट, ये देखिए कपड़ा बहुत ही अच्छा आया, मैंने ये और ये एक साथ ऑर्डर करी थी ये वाली, तो इनका थोड़ा सा हल्का कपड़ा बट वैसे अच्छा है, और ज़्यादा मेरे को इन का ज़्यादा अच्छा लगा। ये थोड़ी सी महंगी थी, अराउंड 1100 या 1200 के आसपास पड़ी थी मुझे ये वाली दो, ये वाली और एक ये मैरून वाली, इनका कपड़ा ज़्यादा अच्छा है इन दोनों का। सो टी शर्ट होगी पास है ना,
तो ये देखिए ये ऐसी आई हैं चारों, और एक और आएगी अभी उसका और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कैसा है कैसा नहीं। बट इनका कपड़ा हल्का सा डाउन है, उनका उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सो फ्रेंड्स टी शर्ट्स तो अच्छी आई हैं, बट अभी मैं पहन के देखूंगी इनकी फिटिंग कैसी आई है ना, क्योंकि डेली वेयर के लिए देखो यही कंफर्टेबल होती है, मुझे यही अच्छी लगती है। तो अभी मैं डाल के देखूंगी और फिर बताऊंगी कि कैसी आई है, रखूंगी या नहीं। वैसे तो मैं रखूंगी, फाइनल है, बट एक बार पहन के देख लेती हूँ कि फिटिंग कैसी आएगी इनकी। तो गाइस मैं होगी रेडी, रेडी तो क्या वही कुर्ती पहन रखी, बस नीचे प्लाजो डाल लिया मैंने और सिंपल सी चप्पल पहनी है अपनी। तो बस मैं जाऊंगी अभी मेहंदी लगवाने फटाफट। मैंने चूड़ी निकाल दिया क्योंकि नाल बांध रखा है एक हाथ पे और एक हाथ में है गोल्ड का कड़ा ये वाला। तो बस मैं जाऊंगी फटाफट, मैं और केतकी शायद पता नहीं लगवाएगी या नहीं, बट मैं जरूर लगवा, क्योंकि मेरी इतनी मन में आ रही है ना कि मैं जाऊँ और फटाफट मेहंदी लगवाऊँ पूरे हाथ भर भर के। तो देखती हूँ अगर मिला मुझे मेहंदी वाला तो मैं फुल लगवा के आऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो चलिए चलते हैं। धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है, कभी ऐसा मौसम बारिश का, कभी ऐसा मौसम ठंडी, बच्चों ने दो दो पहने और अब धूप देख, शाम में ठंड लग जाएगी वापस, शाम में ठंडी हो जाएगी और सुबह बादल हो जाएंगे। कह रहे सुबह उठो तो ठंडी, दिन में मार जाओ शर्ट मार जाओ, शाम में रेनकोट मार जाओ, बारिश होगी रात में रजाई ओढ़ लो। सच बात है, समझ में नहीं आ रहा। सही कह, नहीं लॉक क्यों कर दिया मैंने। ओ ये ना 10 मिनट तो लगा सेटिंग जी। सो फ्रेंड्स यहाँ से निकल लिए हम दोनों, ये देखिए गाड़ी में मैं और केतकी जा रही है मेहंदी लगवाने की, मेरी इतनी वो रखी थी, मैं तो केतकी को साथ लेके आई थी मैं। तो यहाँ से निकल लिए हम लोग और पहुँच के बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं, ये देखिए है ना। तो मज़ा भी बड़ा आया, हम दोनों गए थे, कभी कभी ऐसे भी जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो हम लोग पूरे सब एक साथ में चलते हैं, मम्मी पास साथ में होती है, बट ठीक है कोई नहीं, इंजॉय किया हम लोगों ने, गए बच्चों को यहीं छोड़ के गई थी बस मैं और केतकी गए थे। बता रहा हम चले जाओ घूमन, फिर तो मेरा स्टेटस देखते हैं किसी किसी ने ऐसा शौक होता है कोई निकल रहा घर से बाहर बिल्कुल ना डाला ना, बस उसने डीपी लगाई है शायद एक, बस कैप डाल के वो घूमन की है, वो तो मैंने देखी है एकदम है लोग कैसा है सट 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 बस पार्किंग मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं मेहंदी लगवाने के लिए, और ये देखिए मैं आते ही बैठ भी गई हूँ, मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, कहीं नहीं गए, सीधा मेहंदी वाले के पास आई भैया के पास, और लकीली ये मुझे मिल गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ना मिलते नहीं है ये, तो आज थे यहाँ पे, तो मैंने जाते ही मैंने लगवाना स्टार्ट कर दी मेहंदी। और लगवाने तो गई थी मैं, भरी बैठी थी कि कब मैं जाऊँ कब मेहंदी लगवाऊँ। तो ये देखिए बहुत एक्साइटेड हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, और मैंने केतकी से बनवाई वीडियो। ये भैया ना काफ़ी स्वीट थे, बोलने में भी बड़े अच्छे थे, मतलब कि इन्होंने जैसे मेरे से पूछी वैसे ही मेहंदी लगा के दी, मेहंदी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगाया था इन्होंने। एक्चुअली आज भीड़ भी बहुत कम थी, कोई नहीं था, हम लोग गए थे मेरे बाद में तो फिर भी आगे थे लोग, तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई, उनका बिहेव काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। पहुँच गए 99 और मेहंदी हो गई है कम्प्लीट, आगे से पीछे से दोनों हाथों की जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई है। तो देखिए बच्चों के लिए देखते हैं कुछ मिलेगा तो, नहीं तो फिर जाए। और यहाँ के हम लोग बच्चों के लिए कुछ देखने लगे, कुछ मिल ही जाए, बट कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। मेरे को जो साइकिल पसंद आई थी, कमर पसंद आई थी, ये भी बहुत पसंद आई। किसको? स्टिकर सिपर ले, अच्छा वो वाले, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। ड्रीम ये वाला क्या है, इतने प्यारे प्यारे से, ये अच्छी लग रही है साइकिल, क्यूट। उसके बाद हम लोग दूसरे सेशन में भी आए, बट यहाँ पे भी हम लोगों को ऐसा कुछ खास मिला नहीं। चीज़ें तो काफ़ी पसंद आई, बट वो लोग हम लोगों को लेनी नहीं थी, तो बच्चों के हिसाब से जो देखना था वो हमें कुछ मिला नहीं, एक दो चीज़ ली बस, वही लेके वापस आ गए हम लोग यहाँ से। खेत की रेवा के लिए यहाँ पे सिपर देख रही है पूरे उसमें, बट हमें कहीं नहीं मिली जैसी चाहिए थी। और ये देखिए कॉफ़ी मग, मुझे इतने पसंद है ना मैं क्या ही बताऊँ, बट मैंने यूँ नहीं खरीदे क्योंकि घर में जगह ही नहीं है रखने के लिए, सो बाद में देखेंगे कभी, बट सीरियसली बहुत ही प्यारे मग थे वहाँ पर। समझ गई हो तो मुझे लग रहा है लग गई है मेहंदी और निकल गया घर, बस कलर आ जाए अच्छा सा, मेहंदी तो बहुत ही प्यारी लगाई है उसने, है इनका तो अच्छा रहता है। नहीं उसने वो ऑयल नहीं लगाया ना, खाली से थी मेहंदी लगाई, पर वो शक्कर वाला पानी लगा दो, फड़का है चीनी वाला होगा या नहीं होगा। हां वही
देखिए कैसे बैठे दोनों। नोनो की आंख बंद करनी देख। ये क्या? अरे खा के तो देखो कितने से मैजिक वाले मुंह में डालोगे तो फूटेंगे। अरे देखो ये तो स्किट है ना, एक बार ये तो मुंह में लोगे तो फूटेंगे। खाने में तो सो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लोग घर और टाइम से आ गए थे। बाकी मैं वहाँ वीडियो ज़्यादा ले नहीं पाई क्योंकि बैग ही नहीं लेके गए हम लोग। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग हैंडबैग छोटू छोटू सा लेके गए मैं और केत की, तो उसमें सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। बाकी शॉपिंग कर ली थी तो कहाँ रखते, छोटा मोटा सामान बहुत कुछ ले लिया था केत की ने। मैंने मेहंदी लगवाई, इसे शॉपिंग कर ली थी तब तक। सो कल है गणगौर और होएंगी रेडी अच्छे से। मेरे को तो बहुत शौक है तैयार होने का, तो कल देख कर दिखाएंगे। और अभी मैं पीऊँगी अपनी चाय। सरदर्द भी हो रहा, व्रत भी है आज मेरा, है ना। तो अभी शाम को बनाऊंगी साबुदाना खिचड़ी और सब्जी देखूंगी आलू की या कुछ बनाऊंगी तो। और मेहंदी देखेगी साथ की, ऐसी लगी है ये वाली ऐसी, और इस हाथ की बहुत ही प्यारी लगी है ये देखिए। सो मेरे को मेहंदी का इतना शौक है ना, अगर कोई बोले तो मैं जैसे ये मिटती है उसके बाद मैं तुरंत लगवाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। बहुत शौक है मुझे मेहंदी का। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले लाऊंगी अपनी चाय सरदर्द का बहुत तेज। आज मैंने सुबह बस चाय और वो गिरी ली थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया था तो सरदर्द था। तो मम्मी बोली ये गवावा खा लो, तो मैं ये अमरूद लेके आई हूँ खाने के लिए। पापा क्या हाँ के लाइए ना, पापा का प्यार आपने बुला रहे हैं नीचे। ये पापा के प्यार से यूं बोलो पापा। मम्मी नगरा वीडियो बन रही है। पापा दिखाऊं क्या आऊंगा मम्मी को कहती। सो फ्रेंड्स हो गई है शाम और ये साबुदाना भिगोया है, इसकी खिचड़ी बनेगी। इसमें आलू रखने, इसमें आलू की सब्जी, ये हो गया दूध बॉयल। और मेहंदी का कलर कुछ ऐसा है, ये देखिए कलर तो अच्छा है, बहुत ही प्यारा। और इस हाथ का आया ऐसा, ये देखिए मेहंदी तो इतनी अच्छी लगाई ना, सीधा टाइम दिया ना, डेढ़ घंटे दो घंटे में लगाई है दोनों हाथों। तो मेहंदी का कलर आया बहुत ही प्यारा, ये देखिए दोनों हाथों में इसने कम से कम भी दो घंटे लगाए हैं। आज वो गणगौर थी ना कल, तो इतनी भीड़ थी नहीं वहाँ पे, एक्चुअली कोई भी नहीं था, खाली था बिल्कुल ही। तो उसने बहुत ही अच्छे से लगाई। और बस अब सिर दर्द आने के बाद इतना तेज़ हुआ ना, गोली ली उसके बाद अब आराम हुआ। तो अभी मैं उठी हूँ और मम्मी की, मम्मी बनाएंगी खिचड़ी, मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। भूखी लगी है, यह व्रत क्या है ना कि माइग्रेन का सरदर्द तुरंत पकड़ लेता है अगर खाली पेट हो तो। तो बस अभी मैंने अमरूद खाया है क्योंकि सरदर्द इतना तेज़ हो रखा था ना, और मैंने टैबलेट ली अभी, तो वो सब आराम हो जाएगा उससे थोड़ी देर बाद। पहले भी जोत भी लगाऊंगी, है ना, उसके बाद मैं सोच रही हूँ आलू की सब्जी बनाऊंगी फिर सब। ये खत्म ना हुआ भी, आधा घंटा हो गया तो ले बैठी अमरूद एक छोटा सा, मैं कब का खा के पचा भी लिया, काट के डाला बाउल में, नमक नमक डाला कुछ फिर ये मंगवाई ना, उनका कपड़ा ज्यादा अच्छा है, ये आ रही है ना इनका हल्का सा कम आया है। इसका देख जो मैरून कलर का, ये खोल के देख, हाँ देख लेना डाल के। तो इसका देख कपड़ा, ये वो लॉन्ग वाली आ गई, तो कपड़ा बहुत ही प्यारा इसका है ना, हाँ नीतक आ गया मेरा भी है। फिर मैं सोचू कपड़ा अच्छा रख लूँ, क्या हो गया दो रहूँगी इसी में से ब्लैक कलर से ना है ना ऊपर इसका साइड में है, हाँ ये हो गया तैयारी। ये बन गया खिचड़ी और ये आलू की सब्जी। खेत के छील रही आलू यहाँ पे, गर्म है क्या, ये बन गया यहाँ पे बच्चों की बिना मिर्ची की निकाली है मम्मी ने। और ये आलू का ये मसाला इसका तैयार, सब्जी का ऐसा लग रहा था हल्दी डाल रखी है पर हल्दी डल नहीं रही इसमें, येलो येलो आ रहा मेरी वीडियो में, पता नहीं क्यों आ रहा है येलो। मैं गई देखो तो लग रही है बाथरूम में पड़े यशवी खड़ी, इसका दौरा है यशवी ना आई तेरे दर्द है ना। आज मोनी मिला बर्ताड़ा खाना है मोनी मेरा, हाँ। हे एवरीवन मैं आ गई हूँ रूम में और ये देखिए नोनू सो गया है, इस टाइम सोया, अभी पूरी रात नहीं सोएगा ये लड़का, पूरा दिन नहीं सोया, सुबह आज ही उठा है 12:10 पे या 11:45 हो रखे थे है ना, और अभी रात को शाम को अभी सोया जस्ट आधे घंटे पहले। और ये देखिए अब सो गया तो ये उठ जाएगा 10-11 बजे के अराउंड, और बस फिर मेरी नींद हराम है, फिर ये सोएगा नहीं, फुल मूड में उठेगा खेलने के लिए। सो बस मैं आ गई हूँ रूम में और खाना हो चुका है सबका, साबुदाने खिचड़ी आलू सब्जी बनाई थी, तो मेरा आज फास्ट है और कल भी आधे दिन का तो हो ही जाएगा, गणगौर है ना, पूजा होगी इतने
में ऑलमोस्ट 2:30 बज ही जाएंगे मेरे को, खाना खाऊंगी तब तक। और असल में इतनी तेज़ दर्द, इतनी तेज़ दर्द हुआ क्या ही बताऊँ। जैसे ही मॉल पहुँचे मैं मेहंदी लगवा के आई, बस उसके तुरंत बाद मेरा सर दर्द इतना तेज़ स्टार्ट हो गया ना, बस क्या ही बताऊँ। आगे फिर मैंने टैबलेट ली और चाय ली अपनी, तो बस अभी खाना खाया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि माइग्रेन का है। यशवी जब से हुई थी एक्चुअली उसी टाइम से मेरे माइग्रेन का स्टार्ट हो गया था, तो बस खाली पेट वो हो ही जाता है, वो तो है ही, कंपलसरी हो ही जाता है। जिस दिन फास्ट हो उस दिन पक्का सर दर्द होना ही होना है ना। और कल है गनगौर, तो मैं सोच रही आज का व्लॉग ये डालूंगी कल, क्योंकि ये व्लॉग डाल सकती हूँ क्योंकि कल का मेरा गनगौर का है, तो मैं सोच रही पूरा व्लॉग उस कल का डे का ही जाएगा, गनगौर का ही जाएगा। और मैं सोच रही क्या ड्रेस पहनूँ, ड्रेस की सोच रही मैं कि बेस डालूंगी शायद तो येलो कलर का, क्योंकि एक बार ही डाला शायद मैंने, वो भाई की शादी में लिया था तो तभी पहना था, उसके बाद पहना नहीं, और बहुत महंगा भी है वो, तो मैं सोच रही कि एक दो बार पहन के वसूल कर लूँ, मेरे को बहुत पसंद भी है उसका कलर, बहुत प्यारा है, तो मैं वो डालूंगी ड्रेस है ना। और कल तो क्या खास रेडी रेडी होना ही है अच्छे से, तो पूजा वूजा होगी अच्छे से, शायद हो सकता है बुआ जी आ जाएंगी तो डांस वांस भी हो जाए, तो बस यही है आज का। और मेहंदी का कलर और भी अच्छा आ गया ये देखिए है ना, और सुबह तक एकदम ब्लैक हो जाएगी। ये नेल पेंट निकालनी है मेरे को क्योंकि कल वापस लगाऊंगी, ड्रेस में मैच करके लगाऊंगी वो वाली है ना। तो बस यही था आज का ब्लॉग, फिर कैसा लगा आप, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और इन्जॉय किया हो। और मॉल में गए थे, मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई वहाँ पे, अगर मैं वहाँ ले रही तो काफ़ी शूट हो जाता मेरा, क्योंकि दोनों हाथों मेहंदी लगी थी और बाकी मैं कर नहीं पाई। सो कोई बात नहीं, आ जाएगा छोटू सा ब्लॉग और क्यूट सा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।